देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। इस टॉपिक में सीखेंगे किस तरीके से हम लोग बिजी के अंदर रिकंसिलेशन करते हैं और किस तरीके से पेमेंट कर। सबसे पहले मेरे पास एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम स्टार इंटरप्राइज के नाम से, इसका GSTN नंबर भी अवेलेबल। सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना है कि GST रिकंसिलेशन होती क्या है, उसका मतलब क्या है, कि अगर मैं रिकंसिलेशन करने जाता हूँ तो किस मोटिव से करूँ और किन किन चीज़ों को मुझे नोट करके आगे काम करना है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मेरे पास ये बैंक की स्टेटमेंट आई हुई है, ठीक है। ये मेरी बैंक की स्टेटमेंट है, कहाँ की स्टेटमेंट है, ये मेरी बैंक की स्टेटमेंट है जिसके अंदर डेट गिवन है मुझे पार्टी का ओपनिंग बैलेंस, चेक, विड्रॉल, और ये बैंक की स्टेटमेंट है। और मेरे पास एक मेरी स्टेटमेंट है जो मैनुअली मैं रोज़ चढ़ाता हूँ, तो वो लिस्ट मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, देखिए ये लिस्ट मेरे पास है। ये मेरे पास अकाउंट ले जा रहे जिसके अंदर मैं डेली बेसिस पे मुझे जो भी एंट्रियाँ होती हैं वो सारी एंट्रियाँ मुझे यहाँ से गिवन हो जाती हैं। जैसे मेरा PNB है, आप सभी जानते हैं हम लोगों के पास दो बुक होती है, एक होती है मेरे पास जो बुक होती है जो कस्टमर के पास बुक होती है, और दूसरा बैंक के पास होती है। बैंक अपनी एंट्री करता है और कस्टमर अपनी एंट्री करता है। जैसे कस्टमर के पास किसी पार्टी ने इसको चेक दिया है तो ये अपने पास एंट्री कर लेगा, लेकिन बैंक में जब 4 दिन बाद या 6 दिन बाद बैंक में डालता है तभी तो क्लियर होता है डेट। मैं आज गया बैंक को 1 तारीख को चेक डाल दे, गए सेम डेट में क्लियर हो जाता है चेक, 1-2 दिन का प्रोसेस लगता है। इसी को बैंक रिकंसिलेशन करना कहते हैं कि मैंने जो चेक यहाँ डाला है वो कब पास हुआ। देखो ये वाला चेक अगर आप नोटिस करो, ये वाला चेक कब पास हुआ, 01345 डाला कब था हमने, 4 को, और ये क्लियर कब हो रहा है यहाँ पर चेक नंबर के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। कोई और सा चेक नंबर ले लेते हैं, है क्या कहीं 943। देखो ये रहा 5, ये वाला चेक होगा आई थिंक, ये 53831, ठीक है। हमने देखो मैंने यहाँ एक चेक नंबर मिस डाला है लेकिन बैंक ने वो चेक नंबर मिस नहीं डाला। तो इन चीज़ें छोटी छोटी बारीकों को चेक करने के लिए हम रिकंसिलेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग रिकंसिलेशन, क्योंकि हमने करा है 15383, यहाँ इन्होंने लिखा है 153831, मतलब बैंक ने पूरा चेक नंबर लिखा और हमने गलती से शॉर्ट में एक नंबर मिस कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करना सीखते हैं किस तरीके से बैंक की एंट्री करेंगे और इसको किस तरीके से आगे प्रोसेस करेंगे और किस तरीके से हमको रिकंसिलेशन करनी चाहिए। सबसे पहले जब आप लोग पेमेंट पे आओगे तो आपको कुछ चीज़ सोच समझ के डिसीजन लेने हैं कि पेमेंट का यूज़ हम लोगों को बेसिकली कब करना है और क्या यूज़ है पेमेंट। मतलब आप सभी को सुनते ही नाम में समझ में आता है, पेमेंट का यूज़ हम तब करेंगे जब हम बैंक में पैसा किसी को देंगे। जब भी हम पेमेंट की बात करेंगे इसका मतलब हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी पार्टी को पैसा पे करेंगे। तो एंट्री हम कहाँ से करेंगे, पेमेंट से। कहाँ से करेंगे एंट्री हम लोग, पेमेंट से। मैंने ए पार्टी को पैसा दिया या बी पार्टी को, सी पार्टी, किसी को भी पैसा दूंगा तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ से करेंगे, पेमेंट से। कहाँ से करेंगे हम लोग, पेमेंट। कोई अगर मुझे पार्टी पैसा देगा तो मैं उसकी एंट्री रिसीव से करूँगा। कहाँ से करूँगा मैं एंट्री, रिसीव से। जब भी आपके पास पैसा आए तो रिसीव, पैसा जाए तो पेमेंट है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग अपने मन में हमेशा बना के चलेंगे कि अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो आई यूज़ पेमेंट, एंड देन किसी से पैसा लेना है देन रिसीव। अब चाहे वो कैश में पैसा दे या बैंक से पैसा दे, हम लोगों को सोचना नहीं है। कहीं पैसा दे, अगर पैसा दे रहा है तो पेमेंट से, ठीक है, हम दे रहे हैं तो उसको, और पैसा आ रहा है तो रिसीव। कभी कभी एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं कस्टमर, वो क्वेश्चन उल्टा होता है लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। उसने बोला पार्टी से पेमेंट आई है तो क्या आपको पेमेंट से एंट्री करनी चाहिए या रिसीव से। क्वेश्चन ध्यान सुनो, पार्टी से पेमेंट आई है तो क्या करनी चाहिए हमको, रिसीव। आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सोचने लगो पेमेंट नहीं। उसने बोला पार्टी की पेमेंट आई है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिसीव। तो इन चीज़ों को नोटिस करके चलेंगे। बहुत बार ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं कि सर उसने तो हमें ये बोला था कि उसने पैसा दिया है, पार्टी ने दिया तो मैंने पेमेंट कर दी, क्या गलत करा।
हमने बोला कि पार्टी ने मुझे पैसा दिया है, जब कोई मुझे देगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। तो पेमेंट और रिसीव का ध्यान से, मैंने किसी को दिया यूज पेमेंट, और मुझे किसी ने दिया तो यूज रिसीव। कोई डाउट है इसमें किसी को? अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिक्कत, सबसे पहले डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी आप लोग काम करेंगे डेट को ध्यान से रख के काम करेंगे, क्योंकि यहाँ डेट गलत हो गई तो इशू आ जाएगा वहाँ पर। तो सबसे पहले तारीख देखिए कब एंट्री हमको करनी है। तो हमने कहा कब एंट्री करनी है हमको, 1/4/2017 में। तो मैंने यहाँ पर तारीख लिखी 1/4/2017। पता है बीजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, बस आपको डेट और मंथ लिखना होता है, ईयर वो अपने आप उठाएगा। अगर मैं यहाँ 1/1 लिखूंगा तो वो 18 ले लेगा, अगर मैं 1/4/2000 करूँगा तो वो अपने आप उठा लेगा। तो आगे से अपने मोटिव बना लेंगे, चाहे पेमेंट करें या रिसीव करें, हम मंथ की दो ही डेट सेलेक्ट करेंगे, डे और मंथ, ईयर वो अपने आप ही उठाएगा। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा करके टाइप करें, ठीक है। देन आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, 1/4 देन इंटर, 10/4 इंटर, ठीक है। बिजी खुद अपने आप फॉर्मेट को लेगा, बस आपको दो डालने। देन वाउचर नंबर आता है, ये आपका ना ऐसे होगा, मैं भी दिखाता हूँ किस पैटर्न पे होगा ये आपका। ये जो वाउचर नंबर है ना, ये बेसिकली आपका ब्लैंक होता है, नॉट रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है? नॉट रिक्वायर्ड होता है, ऐसे बताता हूँ। अब यहाँ क्या लिख के आ रहा है? नॉट एप्लीकेबल। जहाँ वाउचर नंबर नहीं रुकता, इसका मतलब ये नॉट एप्लीकेबल है। मतलब इसको हम यहाँ पर आगे कल सर रुकेगा ही नहीं, कल सर जाएगा ही नहीं। लेकिन सर इसकी नीड भी नहीं है, नीड भी नहीं है। मैं कहता हूँ नीड तो है नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप इस टॉपिक को अनेबल कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप इस टॉपिक को? अनेबल। अनेबल करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? वाउचर अदर डिटेल पे आएंगे, देन वाउचर कन्फिग्रेशन, देन एंड देन ऑटोमेटिक, नहीं मैनुअली, वार्निंग, देन इन केस कि वाउचर नंबर इज ब्लैंक या डुप्लीकेट, देन मैसेज शो इज अ डुप्लीकेट। अगर आपका वाउचर नंबर एक बार आता है, उस अगेन वही वाउचर नंबर आता है, तो क्या शो करेगा? ये डुप्लीकेट। अगर इन केस वाउचर नंबर ब्लैंक हो गया तब तो भी आपको मैसेज देगा कि आप वाउचर नंबर को ब्लैंक नहीं रख सकते, और आप इसको क्या कर दो? सेव कर दो, ये आपका सेव हो जाएगा। है ऑटोमेटिक नहीं होता, ठीक। हाँ विपिन यहाँ चेल ले लो या फिर आगे ले लो। चेल आप वहाँ से निकाल लो, विपिन यहीं रहे मुझे, यहीं लगा लेना पास। देन नेक्स्ट, समझ में आई दो चीज़ें? कोई डाउट है इसमें किसी को? आ गया समझ में इतना? देन नेक्स्ट कि ये जो चेक नंबर है ना, कभी कभी वाउचर नंबर हमको प्रॉब्लम करता है। क्या कर देता है? प्रॉब्लम। तो आप इसको कंट्रोल शिफ्ट सी करो। क्या करो? कंट्रोल शिफ्ट सी। पता है कंट्रोल शिफ्ट क्या करता है? ये आपके नेम को रीनेम कर देता है। जैसे यहाँ वाउचर नंबर लिखा, आपने कहा सर मुझे वाउचर नंबर को चेंज करना है। क्या करना है? मुझे वाउचर नंबर को चेंज। तो आप इसको मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी, कर दिया। देन यहाँ हमको क्या करना है? इसको यस करेंगे एंड चेंज कैप्शन, हम बोल देंगे चेक नंबर, हो गया। इसको F2 करके सेव कर दीजिए, या यहाँ मैसेज लिखा इस पर क्लिक करके आप लोग सेव कर दीजिए। सेव करोगे एक बार क्विट करना पड़ेगा, दोबारा इन होगे तो मैसेज शो होगा चेक नंबर। हमको पेमेंट, अब एक होती है डिपॉजिट साइड, एक होती है विड्रॉल साइड, ये डिपॉजिट भी बोलते हैं, या फिर हमारी ये होती है रिसीव साइड या हमारी पेमेंट साइड, ठीक है, ये हमारी पेमेंट साइड होती है। अब पैसा गया, जहाँ विड्रॉल मतलब होता है निकालना, ये हमारी क्या होती है? पेमेंट होती है, और ये हमारे लिए क्या होती है? रिसीव। सबसे पहले 1/4/2017 को चेक नंबर 123855, पार्टी नेम इज AR ट्रेडर, डिपॉजिट जीरो बैलेंस है, इसका मतलब हमने इसको पेमेंट करी है। क्या करी हमने इसको? पेमेंट। तो पेमेंट करी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 1/4/2017,
ईयर डालने की जरूरत है देन इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। आ गया देन आता है चेक नंबर, क्या आता है हमारा चेक नंबर आता। हाँ देखो मैं ब्लैंक छोड़ दूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी से आया है, ये जो वाउचर नंबर था उसी का नेम मैंने रीनेम कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैंक करूंगा देन मैसेज शो होगा इनवैलिड डाटा, वाउचर नंबर इज ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन अगर करना है तो यस और नहीं करना तो रिपीट। अगर मैं वाउचर नंबर सेम डाल दूंगा तब भी मैसेज ही आएगा 123855। देखो ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस डाटा के अंदर इस नाम से एंट्री कर रखी है, वाउचर नंबर दिस डेट दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब वो कह रहा है कि इस नाम से तो आपने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, अगर आपको देखना है तो आप इसकी लिस्ट में चेक कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख जाएगा ये देखिए, मतलब मैं पहले से एंट्री कर रखी थी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? हाँ वाउचर नंबर मैसेज तो अंदर वो फीडिंग हुई है इसके, ये आपकी स्क्रीन पे नहीं है, जो भी काम हो रहा है बैकहेंड में हो रहा है, कोडिंग बैकहेंड में परफॉर्म कर रही है, आपके सामने नहीं कर रही। क्लियर है, तो मैं कितना चेक नंबर डाल दूँ यहाँ से 123855, और मैं इसको रीन एक्स्ट्रा बनाने के लिए यूनिक बनाने के लिए जीरो कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एंट्री कर चुका हूँ। आ गया यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, सर नॉट एप्लीकेबल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पेमेंट पर GST नहीं लगता, किसी को पैसा दो तो उस पर GST एप्लीकेबल नहीं होता, यही रीज़न है यहाँ पर, आप हमेशा क्या लोगे नॉट एप्लीकेबल ऑन GST। अब पार्टी का नेम क्या है, SR ट्रेडर, क्या मेरे पास SR बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है मेरे पास, अगर मेरे पास नहीं बना होता तब क्या करते सर, तब F3 करते। लेकिन सुनेंगे एक चीज़ ध्यान से, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं पेमेंट पे खड़ा हूं तो इसका मतलब ये मेरा हमेशा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स ही होगा, पेमेंट के अंदर हमेशा हमारे वही लोग आएंगे जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे या मेरे एक्सपेंस होंगे, क्या होंगे, दो ही खर्चों की पेमेंट करते हैं, या तो कोई मुझसे पैसे लेने वाला हो या फिर मैं खर्चों की पेमेंट करूं। कभी ऐसा नहीं होता कि डेटर्स आके कहता कि लाओ सर 50,000 रुपये दे दो मुझे, डेटर से हम पैसा लेते हैं ना कि देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा जब भी आपके पास पार्टी नहीं बनी होगी ना तो आप लोग क्या करेंगे, F3, क्या करेंगे आप लोग F3। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमको मास्टर में जाके बनाना चाहिए या यहाँ से, सर आपको यहीं से बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ओपनिंग बैलेंस मत डालना, अगर आप लोग ओपनिंग बैलेंस डालेंगे देन प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर कहीं मैसेज में शो नहीं हुआ है, यहाँ कहीं मैसेज के अंदर ये शो नहीं हुआ है कि ये ओपनिंग बैलेंस, या कहीं लिखा हुआ है मैंने ओपनिंग बैलेंस, तो आप बनाते वक्त पार्टी ध्यान देंगे यहाँ पर क्या नहीं डालेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस, जैसे यहाँ तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है लेकिन आप एंट्री करते वक्त ओपनिंग बैलेंस नहीं डालें। सर यहाँ पर डी और बीच में स्लैश सी लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, डी फॉर डेबिट होता है, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट, जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है, क्या होता है वो डेबिट होता है, और जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, डी फॉर डेबिट सी फॉर क्रेडिट। याद रखना हमेशा पेमेंट के अंदर जब भी आप किसी को पैसा पे करेंगे तो आपको डी ही लेना है, क्यों सर, क्योंकि डी में जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है, डी फॉर डेबिट होता है, और डेबिट का एक मतलब और होता है कि हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सेकंड मतलब क्या होता है, हमारे ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, या तो जिसको पैसा मिलेगा हम उसको डेबिट करेंगे या हमारे सारे खर्चों को भी हम डेबिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें। और एक लास्ट वन होता है तीसरा, कि जो भी आइटम इन होती है मेरे हाउस में वो भी डेबिट होती है, तो डेबिट के आपके तीन मतलब होते हैं, पहला जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और जो वस्तु आती है वो भी हमारी क्या होती है, डेबिट होती है। तो हमने इस पार्टी से कितने का चेक दिया है, ठीक है, जीरो का विशेष कर ध्यान रखेंगे, अगर आप एक जीरो कम करेंगे देन 19,000, देन एक जीरो एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90,00,000, तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको शायद रुक के काम करो डिजिट को, लेकिन एक बार रीचेक करो क्या मैंने सही लिखा है,
सही लिखा है तभी सही है सर। देखो 1-0 ज्यादा कर दोगे तब भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, कम भी कम कर दोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो बचोगे कहाँ पर? जब आप एक्यूरेट डालोगे तभी बचोगे, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसी चीज है कि इसमें एक वर्ड गलत तो आपका रिजल्ट गलत। तो इन चीज़ों को आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे कि इन चीज़ों पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे एक बार रुक के काम कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना ये 90 लाख है, मैंने भी गलत लिखा है लेकिन मैं रीचेक करके इसको दोबारा से ठीक कर दूंगा। अब सी मतलब क्रेडिट होता है, सी फॉर क्रेडिट। हाँ तो मैं पहले 9 लाख हो गया था, 90 लाख हो गया था पहले। अब सर मेरे पास सपोज PNB बैंक अकाउंट नहीं बना होगा तब मैं क्या करूँगा? तब आपको F3 करके बनाना है। क्या करके बनाना है आपको? F3 करके क्रिएट कर लेना है। कैसे कर लेना है आपको? F3 करके क्रिएट कर लेना है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आप याद रखना कि ये बैंक से रिलेटेड है, तो आप इसके अंदर क्या वर्ड यूज़ करेंगे? बैंक। अगर सर मुझे पेमेंट कैश में करनी होती तो कैश सिलेक्ट करता, और अगर बैंक से सिलेक्ट करनी है तो मैं बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि किससे पेमेंट करनी है सारी। अगर वो कैश बोलता तो कैश, और अगर बैंक बोलता तो बैंक। कोई ग्रुप में हमेशा कैश में कैश अकाउंट होता है, ऑलरेडी कैश तो बाय डिफॉल्ट बना भी होता है, हमको बनाने की जरूरत भी नहीं है। बैंक में बैंक अकाउंट होता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? चलें आगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, चेक नंबर यहाँ नहीं लिखते। तो आप लोग नरेशन में स्पेशली रिक्वायर, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग काम करें तो अपना चेक नंबर यहाँ मेंशन ज़रूर करें, कि इन फ्यूचर जब आपको चेक क्रॉस टैली करेंगे ना बैंक रिकंसिलेशन, तो आपको इन टॉपिक की मदद लेनी पड़ेगी। कर दूँ एंट्री? हो गई मेरी एंट्री। देन नेक्स्ट एंट्री, हमने किसको पेमेंट करी है? टोनी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को। कितने की? 5 लाख रुपए की। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पेमेंट पे। तारीख सिलेक्ट करेंगे 1/4, तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे? 1/4। देन इंटर, देन वाउचर नंबर 1, 2, 3, 8, 5, 6। देन मैसेज शो हो रहा है, मुझे पता ही है मैं डुप्लीकेट एंट्री कर रहा हूँ। देन इंटर मारा, आगे आया, अंदर छेल लिया, उधर आके बैठो अभी। डी आ गया मेरा। देन पार्टी का नेम क्या है? क्या टोनी बना हुआ है मेरे पास? बना हुआ है। देन मैसेज कितने का है? 5 लाख। तो 5 लाख आ गया। और यहाँ पर डी हमने क्यों करा? डी फॉर डेबिट होता है, डी फॉर डेबिट। जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। चलो आगे करो चेयर फटाफट, आप लोग थोड़ी सी विपिन आगे करो चेयर, जगह दो निकलने की। आप यहाँ लगा लो चेयर, मेरे पास लगा लो, बैठो फटाफट बैठो। हो गया। हमने यहाँ पर डी क्यों करा पता है सभी को? क्योंकि इसको पैसा मिल रहा है, जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है? डेबिट। हमारे पास से क्या जाएगा? बैंक जाएगा, इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। जब कोई चीज़ जाती है तो वो क्रेडिट होती है, और जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है। तो बैंक क्या हो गया हमारा? इसमें डेबिट हो गया, और कैश हमारा क्या हो, बैंक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, क्योंकि डेबिट हो गया टोनी, क्योंकि टोनी को पैसा मिल रहा है, और हमारे पास से क्या कम हो गया? बैंक। क्योंकि अकाउंटिंग एक तराजू है ना, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी भी। तो अगर इसका बैलेंस कम हो रहा है देना, तो हमारे पास कुछ और चीज़ भी तो कम होगी, हमारी पॉकेट से मनी कम हो गई। तो ये सेव कर दूँ, कोई दिक्कत इसमें कर लोगे। नेक्स्ट एंट्री पोलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खुर्शीद मार्केट। क्या लिखा है? क्लियर। कितना पैसा? 4 लाख रुपए। क्या आप लोग इसकी एंट्री करेंगे? बतानी पड़ेगी। आप यहाँ पर 1/4 लिखेंगे 2017, देन चेक नंबर 1, 2, 3, 8, 5, 7, इंटर। देन यहाँ क्या लिखोगे? पोलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कितना और सेव कर दे।
कोई दिक्कत? नेक्स्ट एंट्री पढ़िए, नेक्स्ट एंट्री, तीन तारीख, पार्टी का नाम, देन ये पैसा कहाँ पर आया है? डिपॉजिट में। डिपॉजिट का मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको? तो कहाँ जाएंगे? रिसीप पे आए, तारीख, ठीक है, नेचर में, वाउचर, चेक नंबर कितना है? 15383। देन मैसेज आ जाएगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। आप हमेशा की तरह क्या लेंगे यहाँ पर? नॉट एप्लीकेबल। सी मतलब, अब किसके पास से पैसा जा रहा है मुझे बताओ? आराध्य के पास से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट किसको होना चाहिए? तो आराध्य क्या हो जाएगी, और इसके ग्रुप में क्या होगा? क्रिएटर्स हो गया, इसका मतलब मैंने गलती करी है, तो आप इसको क्या करेंगे? डेप्टर्स। ये चीज दिखाने के लिए मैंने गलत करी थी, क्योंकि इस चीज को याद रखना। हाँ, ये डबल अमाउंट आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना, बार बार शुरू से ही बोलना, जब लिखा हो तभी डाल, तो उसमें चेंज नहीं करना। आगे नेक्स्ट, आराध्य हो गया हमारा, और इसके ग्रुप में हमने क्या लिया? क्या लिया हमने इसके ग्रुप में? क्यों लिया डेप्टर्स हमने? क्योंकि इसके पास से पैसा हमें लेना है, और हमें पैसा कौन ही लोग दे सकते जिसको हमने माल बेचा हो। कितना बैलेंस? तो कितना डाल देंगे? अब ये पैसा किस में दे रहा है? बैंक से दे रहा है, तो मैं क्या वर्ड यहाँ कैश लिख दूँ चलेगा? क्यों नहीं कैश क्यों नहीं लिखूँ? क्योंकि बैंक से आ रहा है। मैं भी समझाऊंगा उसको, एक्चुअली समझाने के लिए डाल रहा हूँ कि आप लोग आगे ऊपर नहीं डाल ले तो यहाँ डाल देना, क्योंकि तो आप हैं, वही कर रहा हूँ। चलें आगे, हो जाएगी एंट्री। देन नेक्स्ट, ये कि किससे पैसा आया है मुझे, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से होगी? सेम एंट्री करूंगा, सबसे पहले चेक नंबर 02128। देन मैसेज आएगा, वही मैसेज ऊपर ध्यान देंगे, क्या मैसेज शो हो रहा है? पार्टी का नाम, कितना बैलेंस, किस में आ रहा है? सर आप डी लिखते हैं तो आपका बैंक अकाउंट कैसे आ जाता है? हम लोग तो लिखते हैं, हमको डालना पड़ता है ना? देखो दोबारा दिखाता हूँ, मैंने देखो अनिल लिखा, मैं बैंक कभी नहीं टाइप करता, अपने आप उठा देता है। आ रहा ना? क्योंकि मैंने इसके अलियास नेम में दो बार डॉट डाल दी। होता क्या, जब इसके पास पहुंचता है ना, ये डॉट को सबसे पहले पिक करता है, और जैसी डॉट मिलती है अपने आप रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि मोस्टली काम तो हमारा बैंक से ही होता है। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे फिर बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, पता है, पहले ये अल्फाबेटिकली चलता है, पहले कैश ऊपर शो होगा, उसके बाद पीएनई, मुझे हमेशा आना पड़ता एरो से, ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता था, मेरा टाइम 2 मिनट 2 सेकंड कंज्यूम होता था ऐसा करने में। मैंने सोचा इससे अच्छा मैं डॉट डाल दूँ उसके अंदर, बैनी में किसी में, बिल्कुल। ये देखो अब कितना बेनिफिट है आपको इसको, आप जैसे डी लिखते हैं ऑटोमेटिकली आपका पिक करता। देखिए आपको ट्रिक आपको ही ढूंढनी है, जिसके पास ट्रिक होती है उसी के पास एक्सपीरियंस वाले ही ट्रिक ढूंढ पाते हैं, क्योंकि अपने काम को जो इजी करेगा तभी वो कोई नई चीज़ों पे सर्चिंग कर सकता है। अगर एक ही काम को आप पूरे दिन करते रहेंगे तो न्यू आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? आ रहे हैं? तो ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज़ करो कि सामने वाला देख के भी इंप्रेशन हो जाएगा कि सर आप तो लिखते भी नहीं, तब भी आपका बैंक आ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यूज़ करनी। चलें आगे, तो ये सारी एंट्री आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी इस पर? सपोज मैं यहाँ पर ऑफिस लैंड लिख देता, क्या ये मेरा ऑफिस रेंट, और इसकी वैल्यू इधर ना डाल के मैं इधर डाल, मैंने ऑफिस रेंट की पेमेंट करी है बैंक से, तो एंट्री कहाँ से करनी चाहिए थी मुझे? मैं कहाँ जाता? पेमेंट में आता, तारीख सेलेक्ट करता,
चार चार, यहाँ चेक नंबर डालता और यहाँ क्या ले लेता, क्या था? और देखो ऑफिस रेंट में लिए क्या है, खर्चा है, और खर्चा किस में जाता है हमारे, अगर पार्टी होती तो संडी क्रिएटर जाता और खर्चा होता है तो एक्सपेंस। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, कर लेंगे आप लोग ऐसे, कोई से भी एक्सपेंस दिए हो सभी की एंट्री आप कहाँ से करोगे, पेमेंट से, पेमेंट से, पेमेंट से। हाँ, आपको हमेशा पेमेंट के अंदर एक्सपेंस डायरेक्ट ही लेना, क्या लेना है आपको हमेशा एक्सपेंस में, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, क्या लेना है आपको हमेशा एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, रिसीप में आते ही नहीं खर्चे, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगी एंट्री, मतलब अगर मुझे किसी को सैलरी भी देनी हो तब भी पेमेंट, और बस आप उसका नाम डाल देना, अनिल, रोहित, कमल, गौरव, जो भी आपको नाम डालना है वो डाल के आप सेव कर दो, क्लियर है। बहुत से लोग कहते हैं हमें उसके नाम से देनी है, तो क्या हुआ, आप नाम बना लो, डाल दो यहाँ पर, आगे लिख दो गौरव सैलरी, और ग्रुप में क्या रहेगा, क्योंकि मेरे लिए तो गौरव खर्चा ही है ना, मैंने उसको हायर करा, मैं पे करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होना चाहिए ना, तो इसलिए डालते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। एक वर्ड होता है यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस वो सारे छोटे मोटे खर्चे जो आप लोग रोज करते हो, चाय पानी के लिए स्टाफ, कोई कस्टमर आ गया उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, तो उस पर जो खर्चा होता है वो क्या कहलाता है आपका, मिसलेनियस एक्सपेंस, क्या कहलाता है आप सभी का, मिसलेनियस एक्सपेंस। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कर लेंगे, चलें आगे। तो आज के बाद सारे खर्चों की एंट्री पेमेंट से हो जाएगी। पता है एक आइडिया और बताऊँ आप लोगों को, कभी नहीं सोचना ना तो पेमेंट में ना रिसीव में, बस जब भी जाना तो आप हमेशा सबसे पहले उसका नाम ऊपर डाल दें, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो पेमेंट हो कुछ भी हो, उसका नाम ऊपर डाल देना और नीचे कैश या बैंक जो सर बताएंगे आपके वो डाल देना। पता है बीजी क्या करता है, जब आप पेमेंट करते हो तो बीजी डी ऊपर ले आता है, क्या ले आता है वो, डी ऊपर ले आता है, लेकिन जब आप रिसीव करते हो ना तो बीजी सी ऊपर ले आता है, क्यों, क्योंकि बीजी कहता है कि मैं अपने कस्टमर को जो मेरे बीजी को परचेस कर रहा है उसको प्रॉब्लम ना, इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, बस पार्टी का नेम ऊपर रखना है, पार्टी का नेम ऊपर रखना है, अदरवाइज और दूसरा नेम कोई भी ऊपर, कोई प्रॉब्लम है इसमें, हो जाएगा। चलें, ये सारी एंट्री आप लोग कर लेंगे, अगर कहें तो मैं सारी एंट्री करवा दूँ, 177 एंट्री हैं बस, खाली हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी इस एंट्रियों में, लेकिन आप लोग कर लोगे एंट्री, हो जाएगी। ये टॉपिक हो गया, ये जो मुझे एंट्री करनी थी, क्या बैंक भी मेरी एंट्री को फॉलो करेगा जो मैं एंट्री कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती सर, जो क्या मैं एंट्री मैं करूँगा वही एंट्री बैंक भी कर लेगा, आप बताइए मुझे, क्या कर सकता है बैंक? किसी ने मुझे 1,00,000 रुपए का चेक दिया, मैंने अपने 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 बिजी में एंट्री कर दी कि मुझे 1,00,000 का चेक आ गया, लेकिन मैं जैसे ही बैंक में डालने गया मेरे लड़के से खो गया चेक, और उसने मुझे बोला कि अब मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, मैं तो उसकी बात मान के चल रहा हूँ। जब एक महीने बाद बैंक का खाता मेरे पास आया सामने, पता चला इसमें तो चेक है ही नहीं, तो उसको क्रॉस टैली करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन किया जाता है। क्या करनी जाती है? रिकंसिलेशन की। एक्चुअल में जो मैंने एंट्री करी, क्या बैंक ने भी वही एंट्री करी है? बताओ, देखो ये मेरी खुद की बुक है और ये मेरे पास बैंक की बुक है, ये मेरे पास बैंक की है, बैंक ने स्टेटमेंट मुझको ऐसे पैटर्न में दी है, बैंक ने मुझे ऐसी एंट्री दी है, बैंक ने मुझे डेट भी बताई है कि इस तारीख को इस पार्टी से इतना बैलेंस आया, उसने बताया कि जब 1/4 स्टार्ट हुआ था ना, ये देखो इसमें डेट पहले मंथ पहले आ रहा है, फिर डेट बीच में और ये आपका आखिरी में, उसने बताया जब आपका 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस आपको बैंक से 1,00,000 रुपये लेना था, कितना बैलेंस बैंक से लेना था, 29,00,000 रुपये, फिर आपके अकाउंट में, ठीक है, आप बैंक ने समझते, देखो मेरे अकाउंट में ये एंट्री मैंने करी है। बहुत से लोग मुझे बाहर से पेमेंट भी करवाते हैं, बहुत से लोग मुझे बाहर से पेमेंट भी तो कराते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये मेरी बुक है, ये किसकी कौन सी बुक है, ये मेरी बुक लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपनी कंपनी का नाम, किसकी बुक है मेरी,
ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस की बुक है और ये पीएनबी की बुक। अब मुझे टैली करना है, क्या करना है मुझे, रिकंसिलेशन करना है कि एक्चुअल में जो मैंने चेक पास करे क्या बैंक ने भी वही पास करे। आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने मन में रख के चलिए, क्या हर एंट्री मैं और बैंक साथ में कोऑर्डिनेट करके करते हैं क्या? क्या बैंक मुझसे बैंक चार्ज करता है, क्या मुझे फ़ोन करता है कि सर मैंने आपके अकाउंट से 50 पैसे चार्ज कर ली, करता है फ़ोन? कोई बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, कोई पार्टी मुझे इंटरेस्ट देती है लोन का, तो क्या बैंक मुझे फ़ोन करके बोलता है कि सर आज आपके अकाउंट में 50 रुपये आए हैं? कोई बताता है? कहाँ से पता चलता है हमको? जब हम एक महीने बाद बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि सर मुझे अपनी स्टेटमेंट दे दो, मुझे क्रॉस टैली करना है, क्या आपने एंट्री वो करी जो मैंने करी है? ऐसा भी तो हो सकता है आपने बैंक चार्जेस लगा दी, मैंने एंट्री नहीं करी उसकी, क्या नहीं हो सकता बताइए? ऐसा हो सकता है, तो क्या करें? तो हम लोग क्रॉस टैली करते हैं, बहुत से लोग मंथली करते हैं, बहुत से लोग डेली बेस पे करते हैं और बहुत से लोग वीकली करते हैं। जो भी कहीं भी आप जॉब पे जाओ तो आप लोग चाहे वीकली करें या मंथली, पैटर्न सेम होता है। एंट्री कर लोगे, अगर किसी को भी डाउट है तो पेमेंट रिसीप एक बार दोबारा समझाऊं क्या? हो जाएगी। अगर डाउट है तो बता दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पेमेंट कब करेंगे? जब किसी को पैसा देना हो। और रिसीव कब करते? जब किसी से पैसा लेना। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? आ गया समझ में? अभी मैं समझाता हूँ, एक मिनट। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये एंट्री होने के बाद हमको रिकंसिलेशन करनी होती है। क्या करनी होती है? रिकंसिलेशन करनी होती है। रिकंसिलेशन मीन्स होता है क्या, जो मैंने एंट्री करी बैंक ने भी वही एंट्री पास करी। ये सपोज मान चलो बैंक का खाता मेरे पास है, बैंक की स्टेटमेंट आई, वो मेरे पास एक्सेल शीट पे आ गई। किस पे आ गई? मेरे पास एक्सेल शीट पे आ गई। और बैंक ने मुझे, देखो बैंक पार्टियों के नाम नहीं लिख के दिए, मुझे क्या दिया कि बाय क्लियरिंग दिस चेक दिस अमाउंट। देखो 18,500 की भी एंट्री करी थी, याद है हमें? पार्टी का नेम भी याद है, क्या नाम था? आराध्य एंटरप्राइजेस था। लेकिन यहाँ पार्टी का नेम से मेंशन नहीं है, वो चेक से एंट्री करते। किससे करते? वो चेक नंबर से। तो हमको क्रॉस टैली करना है, क्या बैंक ने भी एंट्री वो पास करी जो हमने करी है? यही चीज को बैंक रिकंसिलेशन करते हैं। क्रॉस चेकिंग बैंक रिकंसिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस चेकिंग ही बैंक रिकंसिलेशन कहलाता है। बहुत से लोग कहते हैं सर सबसे पहला इंटरव्यू में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आप बैंक रिकंसिलेशन कर लोगे? आप मेरा बैंक अकाउंट मेंटेन कर लोगे? सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्योंकि हर किसी के पास बैंक अकाउंट होना नेसेसरी है। आप कितने भी कस्टमर के पास जाओगे, पहला खाता उसका बैंक अकाउंट तो होगा ही होगा। कोई 4 अकाउंट मेंटेन करता है तो कोई 1 अकाउंट करता है, लेकिन बैंक होना कंपलसरी सभी के पास है। तो आप लोगों को अगर बैंक रिकंसिलेशन नहीं आएगी तो एक तरह आपकी प्रॉब्लम है सर, ये मान के चलेंगे आप सभी। तो इसको जितना बेटर वे में कर सकते हो उतना बेटर वे में करो, ठीक है? अब एंट्री हमारी हो गई, हमको सोचना नहीं, हमको जाना है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे एक टॉपिक मिलेगा जिस टॉपिक का नाम है बैंक। आपने एंट्री करी, कोई दिक्कत नहीं, बिजी ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाता है? बैंक रिकंसिलेशन। लेकिन सर हम लोग करते तो हमारे सिस्टम पे टॉपिक आता नहीं, इसको अनेबल करना पड़ता है। अनेबल करने के लिए आपको देखो यहाँ आना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स में, बैंक रिकंसिलेशन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, अकाउंट्स में, एंड बैंक रिकंसिलेशन। चलें आगे। एंट्री तो गायब नहीं होगी, ये टॉपिक गायब हो जाए। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर दोबारा कहें तो रिपीट करूं, एडमिनिस्ट्रेटर, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, अकाउंट, बस इस चेक पे क्लिक कर देना है। ये जो अनचेक होता है ना, इसको बस चेक पे क्लिक, इसको चेक बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चेक बटन। चलें आगे, हम लोग डिस्प्ले पे आ गए, कहाँ गए? बैंक। बैंक रजिस्ट्रेशन में 4 टॉपिक होते हैं, एक होता है शो ऑल एंट्री, शो अनक्लियर एंट्री, शो क्लियर एंट्री और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। पता है ऑल एंट्री मतलब मुझे कहा सारी एंट्री शो कर दो। क्या कर दो मुझे? सारी एंट्री शो कर दो। मैंने कहा मुझे वो एंट्री करो जो अभी क्लियर नहीं हुई, एंड अनक्लियर एंट्री जो एंट्री क्लियर हो गई, और लास्ट हमारी एंट्री रिकंसिलेशन कि मुझको क्लियर करनी है। तो आपको हमेशा कहाँ जाना है? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, देन तारीख। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे बैंक, कौन से बैंक की रिकंसिलेशन करनी है। देखो रिकंसिलेशन का अगर हिंदी में मतलब निकालें तो पुणे जांच पड़ताल ही होता है, ठीक है? और कब से कब तक करनी है? तो मैंने बोला 1/4 से
अगर एक 7 दिन की तो, अगर 15 दिन की तो, अगर 1 मंथ की देन 4 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? जैसे इंटर मारेंगे तो सबसे पहले एक डिटेल शो होगी, बैंक बैलेंस एस पर लेजर एज ऑन 30/4/2017 बैलेंस अमाउंट दिस। पता ही आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि अगर आप ओल्ड टेल करेंगे, क्या करेंगे? ओल्ड टेल। ओल्ड टेल से पता है क्या होता है, किसी एक पार्टी का खाता खुलता है, लेजर निकलता है, जो भी आप काम करते रहते हो वो उसका किस में जाता है, उसके लेजर में। जैसे मैंने यहाँ ओल्ड टेल करा, उसका नाम डाल दिया पीएनबी का, कब से कब तक, तो 31/4 से लेकर 30/4 तक। देखो पीएनबी का पूरा खाता खुल के आ गया, जो भी मैंने एंट्री करी आ गया। वो मुझे बता रहा है कि अभी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, 15,37,197.82। ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है ये आपको, ये जो चीज़ यहाँ गिवन होती है ना, ये बताता है। कोई प्रॉब्लम? हमको इससे मतलब नहीं लेना। अब हमको लिखा लेस, क्या लिखा है? लेस। और एक वर्ड लिखा है चेक डिपॉजिट बिफोर 1/4/2017 बट नॉट क्लियर दिस अमाउंट 3,72,81,522 रुपये। चेक डिपॉजिट फ्रॉम दिस डेट टू दिस, बस नॉट क्लियर। ये इसके अंदर ये बता रहा है कि आपको 49,00,000 रुपये जो रिसीव हुए हैं ना सर, वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। मतलब आपने एंट्री कर ली लेकिन अभी उसको क्लियर नहीं करा, तो उसको एंटर मारोगे ना, वो आपकी सारी एंट्री शो हो जाएंगी जो आपने वहाँ पर करी है। अब क्लियर कैसे करते हैं? ये सारी एंट्री आ गई, यहाँ पर क्या लिखा है, ये विड्रॉल में। सर विड्रॉल में अमाउंट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सिलेक्ट ही कौन सा करा है, और अगर इश्यू वाला करता तो किस में एंट्री शो होती सारी, किस में शो होती सारी एंट्री? क्योंकि इश्यू मतलब जारी करना होता है, और मैं किसी को पैसा दूंगा तो मेरा बैलेंस कम होगा, बैलेंस कम होगा तो किस में जाएगी एंट्री? विड्रॉल में। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पर? देखो लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, चेक डिपॉजिट फ्रॉम दिस टू दिस, तो एंट्री कौन सी शो करेगा? रिसीप्ट वाली। और अगर क्या बोलूँ, विड्रॉल के लिए, तो इस पर क्लिक करूँगा, इससे फ़ायदा हो गया मुझे, मैं पहले रिसीप्ट साइड चेक कर लूँगा उसके बाद। तो हम एक एक करके करते हैं, या तो हम पहले रिसीप्ट साइड चेक करते हैं या फिर हमारी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे पहले, यहाँ है हमारी सारी एंट्री खुल गई, खुल गई। अब हमको क्रॉस टैली करना है, यहाँ रुक के करना है। सबसे पहले चेक नंबर, हमारा पार्टी का नाम राही बैग, हमें राही बैग से कोई मतलब नहीं, हमारा चेक नंबर ये है, क्या है हमारा चेक नंबर, दिस 85225। अब हमको ये चेक करना है ये मेरी स्टेटमेंट में कहाँ है, चेक करो कहीं लिख रहा है, चेक करो आपके पास है ना, चेक नंबर है 85225। ये किस डेट को क्लियर हो रहा है, कहाँ पर चाल चार, कहाँ चाल तारीख है, नहीं अभी एंट्री हमारी, मतलब ये चेक हमारे पास अभी बैंक में तो आया नहीं, हम इसको अनक्लियर नहीं करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट चेक नंबर कितना है, 01345 7, तो क्या यहाँ पर है 13, ये देखो हमारा पहले वाला चेक, ये तो ये गलती तो नहीं हो गई हमसे, हमारा चेक नंबर यहाँ आ रहा है, हम इसके आगे एक पेंसिल से टिक मार्क कर लें, क्या कर लेंगे टिक, और लिख देंगे नो, अभी क्लियर नहीं हुआ। अपने सर से पूछेंगे, सर बैंक स्टेटमेंट में तो चेक नंबर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये, और हमने जो एंट्री करी थी उसमें ये, क्या हमने गलती तो नहीं कर दी? फिर हमारे सर उससे कॉन्टेक्ट करेंगे और उससे पूछेंगे गलत है एंट्री, ठीक है, तो हमने इसका क्या लिख दिया नो, और हमने बीजी में भी इसकी एंट्री अभी क्लियर नहीं। नेक्स्ट एंट्री कितनी है हमारी, चेक नंबर 01345 7, कहाँ पर है चेक नंबर हमारा, ये इसके आगे क्या लिख दो,
आप तो यहाँ तो मैं यस लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपनी पेंसिल से हल्का टिक मारते हैं। अभी मत मारना, जब आप काम कर लेंगे तब मारना जो आपके पास नोट्स हैं। ओके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, यस। ये एंट्री पास हो गई तो मैं क्या जाऊँगा, एंट्री करी कब, 4 तारीख को पास कब हो रही है मेरे पास बैंक में, 6 को। कब पास हो रही है, 6 को। तो मैं क्या बटन दबाऊंगा पास करने के लिए, यहाँ देखो लिखा भी है क्लियर एंट्री प्रेस F4। F4 करा तो क्या शो हो रहा है मुझे, क्लियर डेट में कितना डाल देंगे, 6 तारीख आ गई। कर रहा हूँ, दो मिनट ठीक है। अरे डेट का फॉर्मेट है, पहले मंथ है फिर डेट है फिर ईयर है। चलो आप इसको 6-4 कर दो, आपको ये करना तो ये कर दो बस। और ये करोगे तो यहाँ क्या आ गया, नहीं उसको यस नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख के आ गया 6-4-2017 डला बैंक में 4 तारीख को, लेकिन क्लियर कब हुआ, 6 को। देखो ये एंट्री 4 को डली थी, बैंक ने क्लियर कब करी, तो यहाँ डेट कितनी लिखी है, ये लिखी है 6-4। बताता हूँ आ गया यहाँ पर, नहीं ये शुरू में मंथ है उसके बाद डेट है, एक्सेल के अंदर फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ, अभी आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। अभी सही नहीं है, ये चेंज नहीं हो गए, फिक्स फॉर्मेट हो रखा है। अब ठीक है, क्या बात आ गई, अब यही समझ लो इसका फॉर्मेट चेंज होने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, आप ये समझ के लो जो डेट है वही है आपकी, ठीक है। आ गए यहाँ पर 4, इसके बाद चेक नंबर कितना है आपका, नेक्स्ट चेक नंबर 002162, यहाँ कहीं है हमारा, ये देखो ये रहा, तारीख 6-4-6 है सर। यहाँ पर इसे 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बीजी या सॉरी एक्सेल 0 को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमने एंड के वर्ड देखे कितने, 2162। कब पास हुआ ये हमारा, तो क्या दबाएंगे और पास कर देंगे सदा। सर ये एफ अगर इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर नीचे होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक साथ 3 एंट्री करी है ना, 3, उन सभी को एक साथ क्लियर करना, तो आप इसको क्लियर कर दो फुल वाउचर, तो पूरे वाउचर को एक बार में क्लियर करता है। इसको अलग से समझाता हूँ, हाँ नहीं पूरे वाउचर बताता हूँ। देन नेक्स्ट चेक नंबर 066 दिस, अभी देखो समझा कितना, ये है यही चेक है हमारा, ये कहां पर है हमारा, इसके आगे क्या लिख देंगे हम, क्लियर हो गया, और यहां क्या दबा देंगे, ठीक है। सर ये पूरे यस का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इस बिल के अंदर एक बार में 2 पार्टी ने मुझे पेमेंट दी होती, एक पार्टी ने अगर 2 बार मुझे पेमेंट दी होती ना, कितनी, 2 पार्टी ने मुझे पेमेंट दी है एक बार में, अगर मुझे दोनों पार्टियों का बिल एक साथ क्लियर करना, देखो एक ये शो हो रहा है और एक मेरा ये, अगर मुझे पूरे वाउचर को एक बार में क्लियर करना, तो मैं इस पूरे को यस करूंगा तो दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। हो गए उसी, हाँ ये देखो यहाँ पर आया समझ में, ऑल का मतलब क्या, ऑल का मतलब होता है कि अगर दोनों एंट्री को एक बार क्लियर करना है तो F4 और इस वाले बटन को क्लियर कर दो। हाँ एक बार में 2 कर सकते हैं, एक बार में आप 10 कर सकते हैं, एक बार में 999 कर सकते हैं आप, लेकिन डेबिट सर एक ही बार, हाँ डेबिट एक ही बार, तो एक बार में उतना ही, हाँ
एक बार में ही अपने आप उठा लेगा अमाउंट। अभी आप सिंगल सिंगल समझो, प्रॉब्लम मत जनरेट करो अपने आप में। तो क्या आप लोग एंट्री कर लेंगे ऐसी सारी? बस आपको क्लोज चेक करना है और जो चेक पास होता जाए उसको यहाँ करो। सर ये वाली एंट्री तो मैंने करी नहीं, इसमें लिखा RTGS फ्रॉम दिस अकाउंट और पार्टी का नेम क्या है? शंकर तेजी। RTGS की फुल फॉर्म मैंने कल ही बताई थी, क्या फुल फॉर्म थी? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये कब करते हैं? जब वैल्यू, अगर मुझे बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है पैसा, अगर पैसा मुझे बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना, आपने कहा सर मैं आपसे चेक नहीं लेना चाहता, आप मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, तो उसके लिए एक वर्ड होता है RTGS। हम लोग एक फॉर्म भरते हैं RTGS फॉर्म, तो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। इसको बोलते हैं हम रियल टाइम ग्रॉस, क्या बोलते हैं हम? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्लियर है? तो ये कब करते हैं? जब वैल्यू 2 लाख से, और एक होता है यहाँ पर NFT, क्या होता है? यहाँ पर NFT नहीं, मैं इसको NFT मान लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये कब करते हैं? जब वैल्यू 2 लाख से नीचे। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो सर इसकी एंट्री कैसे करते हैं? देखो इसकी एंट्री कंफ्यूज होने की जरूरत, अगर वैल्यू 2 लाख से ऊपर है तो पार्टी या आप RTGS फॉर्म ही भरेंगे। कौन सा फॉर्म भरेंगे? RTGS। और अगर 2 लाख से नीचे होगी तो कौन सा फॉर्म भरते हैं? देखो RTGS की एंट्री कैसे होती है? कुछ नहीं होता, जहां आप चेक नंबर लिखते हो वहां पर बस RTGS लिख दो और नीचे जैसी एंट्री करते हो वो एंट्री कर दो, खत्म। पार्टी का नेम तो MK फैब्रिक है ना, वाउचर नंबर डाल दो, वाउचर नंबर में आप चेक नंबर RTGS डाल दो। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? हो जाएगी। अब सर मैं जब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा तो जो एंट्री मुझे नहीं मिलेगी उसको क्या करेंगे? देखो सारी एंट्री तो हमको मिलती नहीं है, जो एंट्री हमको नहीं मिलती हम उसके आगे नो कर लेते हैं कि एंट्री मुझे नहीं पता, ये एंट्री मुझे नहीं पता, ये मैंने पास हो गई, ये पास हो गई, ये पास हो गई। मैक्सिमम 2-3 एंट्रियाँ होती हैं जो हमें स्टेटमेंट में नहीं मिलती, जैसे ये हमारा LIC हमारे बैंक से पैसा कट गया, उसका हमने लोन ले रखा था, ये एंट्री मुझे नहीं पता थी, मैंने इसका क्या लिख दिया? नो। अपने सर से डिस्कस करा कि सर ये एंट्री में नो क्यों आ रहा है, तो मेरे सर ने मुझे बताया कि नो आने का रीज़न ये था। तो हम लोग किससे डिस्कस करेंगे? अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे, अपने ओनर से डिस्कस करेंगे। तो जिस एंट्री के आगे नो लिखा है इसका मतलब आपको किससे पूछनी है? अब अपने सर से पूछनी है। तो इसलिए जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन करेंगे तो पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, जो एंट्री होगी इस पर टिक, जो एंट्री नहीं हुई इस पर अनटिक। अब सर हमने जिस एंट्री के आगे क्लियर करा वो बीजी में अलग दिखेगी? वो बिल्कुल अलग दिखेगी। वो कहाँ दिखेगी आपको? आप क्लियर पे आओ तो आपको क्लियर दिखेगी यहाँ से, कब से? 4 तक जो क्लियर होंगी वही एंट्री। अनक्लियर एंट्री करोगे तो ये सारी अनक्लियर एंट्री आपको दिख जाएंगी, ठीक है? ऑल देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर है। ये बैंक, सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब होता है क्रॉस टैली करना। एक्चुअल में जो एंट्री मैं कर रहा हूँ क्या वो बैंक भी कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या हर केस बैंक कर सकता है शाम? नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं बैंक। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन देखा जाए तो कुछ है नहीं, आप एंट्री करो बीजी ऑटोमेटिक बना देता है, बस आपको जब एंट्री पास करनी होती है ना उस समय चेक को ध्यान करके। छोटी छोटी चीज़ें और भी समझाते हो क्या प्रॉब्लम आती है। हम लोग पूरा चेक नंबर ढूंढते हैं, जैसे मेरे साथ अभी क्या हो रहा था, मैंने 6 वर्ड लिखे थे लेकिन बैंक की स्टेटमेंट में कितने वर्ड शो हो रहे थे? 4 वर्ड। तो आपको बस देखना है कि वो वर्ड मिलते जुलते तो नहीं है, देन अपने सर से डिस्कस करो, सर मेरे पास ये आ रहा है यहाँ पर ये, देन वो कहते हैं हाँ यही है तो ओके कर दो। मतलब आपको लास्ट 4 कर लो, मतलब एक बार कंसल्ट कर लो अपने सीनियर से, ताकि हाँ 0 मतलब कुछ गलती या डाउट होते तो अपने सीनियर से डिस्कस करो, वो आपको ज़्यादा बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, तो इन चीज़ों को करना है। हो जाएगा आपका? कोई एक क्वारीज और हमेशा आती है आपके इंटरव्यू, सर बैंक रिकंसिलिएशन की शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की क्या है बैंक रिकंसिलिएशन की? एंट्री को पास करने की शॉर्टकट की क्या है? क्या है? क्या है? अभी आवाज़ नहीं आ रही, क्या है? ठीक है, हो जाएगा। RTGS की फुल फॉर्म याद हो गई? अब देखो यहाँ लिखा है आई इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, आई का मतलब उनको लिखना चाहिए था टोनी इंडस्ट्री, बट उन्होंने लिख क्या दिया?
अब कैसे प्रॉब्लम आपको जनरेट हो जाएगी, मेरे पास तो आई नाम की कोई पार्टी नहीं है। फिर क्या करोगे, फिर अपना दिमाग चलाओगे कि कैसे कैसे उसने डाल दिया होगा। फिर आप अपना बैलेंस चेक करोगे, यहाँ से चेक नंबर चेक करोगे, अच्छा इसने पूरा नाम नहीं लिखा, शॉर्ट में डाल दिया आई इंडस्ट्री। फिर नीचे देखोगे, अच्छा ये नाम भी ये सेम है, तो समझ जाओगे टोनी है। कुछ जगह कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है, अमाउंट से भी चेक हो जाता है। मतलब अच्छा अब चलो इनका क्वेश्चन हो सकता है कि सर चलो दो पार्टी को हमने सेम अमाउंट का चेक दिया, आगे हमने हो सकता है 4 तारीख को उस पार्टी को एक और चेक दिया है, तो उससे तो क्रॉस टैली कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या आप लोग कर लोगे अब ये बैंक रजिस्ट्रेशन में, आप कोई डाउट है? ये देखिए मैं दोबारा से रिपीट करने, टॉपिक अनेबल करने के लिए हम कहाँ गए थे, एडमिनिस्ट्रेटर में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, अकाउंट में, किस टॉपिक को अनेबल करा था, बैंक रजिस्ट्रेशन हो गया था। अगर सर मैं गलती से अनक्लियर कर दूं और मुझे क्लियर नहीं करना था तो बस क्या करना है, तो दोबारा जो क्लियर हुआ क्लियर पे जाओ और उसके आगे क्या दबा दो, F4 दबा के उसके क्या कर दो, अनक्लियर कर दो, खत्म। F4 दबाओ और यहाँ आपको बस बटन मिलेगा, उस बटन पे आप क्या लिख दो, अनक्लियर, खत्म। क्लियर है? इतना तो आप लोग दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो क्लियर हो गया उसको जाके अनक्लियर में कर दो, जो अनक्लियर है उसको अनक्लियर से कर लो, हो जाएगा। तो पेमेंट रिसीव भी आ गई है, दोबारा बतानी पड़ेगी आप सभी को, कर लेंगे।